ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन, आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाए, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। हमेशा की तरह तुम लेट आए, हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में as usual। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस as usual। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। as usual ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए, यू केम लेट as usual। यू केम लेट as usual। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई as usual। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था, हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडींग as usual। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, वो मेरे रग रग से वाकिफ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रग रग से वाकिफ होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनसाइड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। नो ये आई यू डे या प्लुरल नेम के साथ यूज होता है। नोज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो हिम इनसाइड आउट। आई नो हिम इनसाइड आउट। वो मेरे रग रग से वाकिफ है, ही नोज मी इनसाइड आउट। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हेज हर दियर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। Use your brain। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। You should use your brain। You should use your brain। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। Why don't you use your brain?
मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। Have to say no one can take a mother's place. Have to say no one can take a mother's place. मानना पड़ेगा क्या कार है। Have to say what a car. Have to say what a car. मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। Have to say he is very smart. ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बेट दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बेट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बेट दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बेट दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बेट दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बेट दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। इट्स टू बेट दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। इट्स टू बेट दैट यू विल हैव टू गो देयर। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसुन एस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एसुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एसुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना। Do call me as soon as you reach home. Do call me as soon as you reach home. Free होती ही मुझे बता देना। Do tell me as soon as you free. तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। You find it easy to teach. मुझे खाना बनाना आसान लगता है, I find it easy to cook food. I find it easy to cook food. उसे English बोलना आसान लगता है, He finds it easy to speak English. मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। आई स्टिल रिमेंबर when I was 10 years old. I still remember when I was 10 years old. मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। I still remember how you used to play. I still remember how you used to play. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding.
स्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं उसे पहली बार मिला था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये हिशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लुरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नोट यूज़ होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. वो तुमसे मिलना चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ, हम खेलना चाहते थे। चाहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू या वांटेड टू। वांट टू ये आई वी दे या प्लुरल नेम के साथ यूज़ होता है। वांट्स टू ये हिशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। वांटेड टू ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है। ही वांट्स टू मीट यू। He wants to meet you. He ये subject pronoun है which mean वो। Wants to mean चाहना। Meet ये वी वन है which mean मिलना। You ये यहाँ object pronoun है which mean तुमसे। Next example for better understanding। वो यहाँ आना चाहता है। He wants to come here. He wants to come here. मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. I want to go. Want to का short form है wanna। यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं I wanna go। Want to का short form contraction है wanna। Next example for better understanding। हम खेलना चाहते थे। We wanted to play. We wanted to play. We ये subject pronoun है which mean हम wanted। ये want का second form है। प्ले ये वी वन है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं खेलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी। यू वांट टू स्टडी। यू वना स्टडी। यू वना स्टडी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाना पकाना चाहती है। शी वांट्स टू कुक। शी wants to cook. Wants to का short form है wants to. She wants to cook. She wants to cook. One more example for better understanding. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you. I want to talk to you. I wanna talk to you. I wanna talk to you. I ये subject pronoun है which mean मैं। Want to mean चाहना। टॉक बात करना। यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग एक नया घर खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस मीन दे वना बाय अ न्यू हाउस।
دے ونا بائے ا نیو ہاؤس دے مین وان ٹو مین چاہنا بائے یہ وی ون ہے یعنی فسٹ فارم آف دا ورب وچ مین خریدنا نیو نیا ہاؤس گھر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ سونا چاہتی ہے شی وانٹس ٹو سلیپ شی وانٹس ٹو سلیپ یعنی شی وانٹس ٹو سلیپ شی وانٹس ٹو سلیپ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر یعنی آئی ونا بیکم اے ڈاکٹر آئی ونا بیکم اے ڈاکٹر. وانٹ ٹو کا شارٹ فارم ہے ونا اور وانٹس ٹو کا شارٹ فارم ہے ونس ٹم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی جلدی میں ہے مجھے تھوڑی نیند آ رہی ہے وہ تھوڑا پریشان ہے مجھے تھوڑی بھوک لگی ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی یا تھوڑا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ہم اگزلری ورب بھی کہتے ہیں یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس بیٹ پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ تھوڑی جلدی میں ہے یعنی اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ تھوڑی جلدی میں ہے. شی از اے بیٹ آف آہری شی از اے بیٹ آف آہری. شی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین وہ یہ فیمیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وٹ از پروناؤن پروناؤن از اے ورڈ دیٹ وی یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن ایسا لفظ جو ناؤن اسم کی جگہ یوز ہوتا ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. از یہ ہیلپنگ ورب ہے وچ مین ہے بیٹ مین توڑی اور ہری مین جلدی شی از اے بیٹ آف اے ہری. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ مجھے توڑی نیند آ رہی ہے آئی ایم اے بیٹ سلیپی آئی ایم اے بیٹ سلیپی. آئی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین میں ایم مین ہوں بیٹ تھوڑی سلیپی مین نیند آنا. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ سبجیکٹ پروناؤن آلویز یوز بیفور مین ورب یعنی سبجیکٹ پروناؤن ہمیشہ مین ورب سے پہلے یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ تھوڑا پریشان ہے وہ تھوڑا پریشان ہے. ہی از اے بیٹ اپ سیٹ ہی از اے بیٹ اپ سیٹ. پھر ہی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین وہ جو میل کو ریپرزینٹ کرتا ہے یعنی ہم اس کو میل کے لیے یوز کرتے ہیں مذکر کے لیے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ مجھے تھوڑی بھوک لگی ہے مجھے تھوڑی بھوک لگی ہے آئی ایم اے بیٹ ہنگری آئی ایم اے بیٹ ہنگری. آئی یہ پیر سبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین میں ایم مین ہوں بیٹ تھوڑی ہنگری مین بھوکا ہونا یعنی بھوک لگنا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ تھوڑا پیاسا ہے وہ تھوڑا پیاسا ہے. ہی از اے بیٹ تھرسٹی ہی از اے بیٹ تھرسٹی وہ تھوڑا پیاسا ہے. بالکل فارمولے کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کے بیس پہ اسی جملے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ تھوڑا مصروف ہے وہ تھوڑا مصروف ہے. ہی از اے بیٹ بیزی ہی از اے بیٹ بیزی. ہی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین وہ جو میل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہی اور شی میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں دونوں کی میننگ ایک جیسے ہے یعنی دونوں کی میننگ ہے وہ لیکن انگلش میں دونوں کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوتا ہے. فیمیل کے لیے ہم شی یوز کرتے ہیں اور میل کے لیے ہم ہی یوز کرتے ہیں. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ تھوڑا لمبا ہے یہ
थोड़ा लंबा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.